हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये किसका चैप्टर है? 11th फिजिक्स का हमारा पार्ट है। ठीक है, तो प्रीवियस वाली वीडियो में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बोयंसी, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में हमने पढ़ा कि पास्कल लॉ की, जब ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर के लिए पास्कल लॉ हमारा कैसे यूज होता है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोयंसी के बारे में देखा, उसका फॉर्मूला देखा, एक न्यूमेरिकल्स भी हमने बनाए। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक टॉपिक शूट करेंगे कि मतलब आपको कुछ कुछ टॉपिक्स का तुरंत तुरंत आपको मिलते जाए ऐसे करके। तो ये वाले वीडियो का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा सरफेस टेंशन के बारे में देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा वीडियो में जस्ट हम इसी के टॉपिक सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जो क्या है, एक प्रकार से सेम रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि क्या होती है सरफेस टेंशन। अब यदि हम हल्का सा इस टॉपिक के बारे में देखें, मतलब इस चैप्टर के बारे में देखें कि हम इस चैप्टर में कैसे कैसे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है, हमारा एक लिस्ट। हम जो 11 में यूनिट पढ़ रहे हैं उस यूनिट का नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इस यूनिट में हम अपनी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसका हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। यदि आप नहीं देखें तो आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और उसमें हमने हाइड्रोस्टेटिक वाला पूरा पार्ट जो है ना वो कंप्लीट कर दिया। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो वो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने थ्रस्ट, प्रेशर, पास्कल्स लॉ, बोयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में इतना पूरा हाइड्रोस्टैटिक वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे दो पार्ट और आएंगे इसका। नेक्स्ट जो आज हम अपने वीडियो में शुरू करेंगे, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बारे में, हमारा आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन। तो इसी मतलब ये क्या है, एक प्रकार का सेकंड टॉपिक है। ये वाला क्या था, हमारा टॉपिक वन था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये क्या है, हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। टॉपिक टू चैप्टर का मेजर सेकंड टॉपिक, और थर्ड टॉपिक क्या रहेगा, हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स। टॉपिक थ्री जिसमें फ्लूइड डायनेमिक्स, या हम उसको हाइड्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो ये वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, कैपिलरिटी, सब सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये पूरा जो टॉपिक आ जाता है ना, ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के अंदर आ जाता है। थर्ड पार्ट जो इस चैप्टर का होगा वो क्या होगा, हाइड्रोडायनेमिक्स होगा, मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स पढ़ लिए थे, डायनेमिक्स जिसमें हम बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी, क्रिटिकल विस्कोसिटी और स्ट्रोक्स लॉ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है सरफेस टेंशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको हर वे में समझाऊंगा, थ्योरिटिकल वे में, बुक सेंस में, अलग सेंस में। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। अब यदि एकदम सिंपल शब्दों में देखें कि सरफेस टेंशन क्या होती है, तो जो वाटर है, वाटर का जो फ्री सरफेस रहता है, मतलब जो उसका तल रहता है वाटर का, फ्री सरफेस का मतलब जहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो क्या होता है ना, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा रिएक्ट करता है, एक प्रकार के फाइबर, जैसे एक फाइबर का मेम्ब्रेन होता है उसको खींचे तो वो रिस्टोर हो जाता है, वैसे टाइप से एक्ट करता है वो। ये क्या होती है, हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। जितने भी लिक्विड होते हैं उनके सरफेस में वो क्या करते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा वो एक्ट करते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप अपने हाथ को लेके आप लिक्विड में से जोर से मारेंगे छप से, तो आपको एक हल्का सा ना देखेंगे, हल्का सा एक इलास्टिक या एक मेम्ब्रेन जैसी फीलिंग आएगी फ्लूइड में। ठीक है, जितने भी डाइवर्स लोग रहते हैं उन लोग एकदम स्ट्रेट घुसते हैं वाटर में, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, सीधा वाटर को कट करके अंदर जाना चाहते हैं। यदि वो ऐसे करके अपना सरफेस एरिया बढ़ा के यदि पानी में कोई ऐसे गिरेगा तो उसको पानी में बहुत जोर से लगता है, पानी में भी लगता है यदि आप कूदेंगे हाइट से और आप एकदम स्ट्रेट नहीं कूदे दो। तो सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की सरफेस की, जहां पे उसका फ्री सरफेस बनता है वो सरफेस एक मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा एक्ट करता है। ठीक है, अब उसी के बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सरफेस टेंशन अराइजेस किसके कारण पैदा होता है, ये ड्यू टू द फैक्ट दैट फ्री सरफेस, किसी लिक्विड का फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट, जब वो पानी के है रेस्ट में, कहीं भरा हुआ है, रुका हुआ है, हैज सम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है, कैसे बोलूंगा, फ्री सरफेस क्या होता है, ये एक कंटेनर है, इसमें क्या भर दिया मैंने, लिक्विड भर दिया, एक लिक्विड मैंने फिल कर दिया, ये लिक्विड पूरा नीचे तक क्या है, इसमें फिल्ड है। तो लिक्विड का फ्री सरफेस हम कैसे, ये ऐसा ट्रायंगल बना के डिनोट करते हैं, ये लिक्विड का फ्री सरफेस मतलब जहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक। तो ये क्या होता है, इसमें ना थोड़ी एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ज्यादा एनर्जी रहती है इसमें, क्यों, क्योंकि लिक्विड के सरफेस में एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ड्यू टू इट, इसी कारण ए लिक्विड सरफेस टेंड्स टू ऑक्यूपाई
अ मिनिमम सरफेस एरिया। इसी कारण क्या होता है ना, लिक्विड का जो सरफेस रहता है ना वो टेंस, मतलब वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है मिनिमम सरफेस एरिया, जितना कम से कम सरफेस एरिया वो ऑक्यूपाई कर सके। एंड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और कैसा बिहेव करता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा, जैसे कोई फाइबर होता है जिसको हम खींचेंगे तो वो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके सरफेस में एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके कारण वो क्या करता है, एक मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, और क्या करता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं, जब भी बारिश होती है लिक्विड की आप बूंद देखेंगे जो बारिश में गिरती है वो कैसी रहती है, स्फेरिकल रहती है। और इसीलिए लिक्विड का जो सरफेस रहता है, एक बूंद के चारों तरफ का मैं सरफेस देखूं तो वो क्या होगा, स्फीयर होगा। तो स्फीयर बनने में ना सबसे कम सरफेस एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इसलिए ना वो सरफेस एरिया मिनिमम करने के लिए, एक स्फीयर का ही सरफेस एरिया मिनिमम होता है, किसी भी दूसरे तरीके से ले ले तो आप, तो वो क्या करता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। इसलिए क्या होता है, वो क्या बनता है, स्फीयर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक स्टील की नीडल, यदि मतलब एक मैं स्टील की सुई ले लूं, मे बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर, उसको हम ऐसा कर सकते हैं कुछ उसमें कंडीशन लगा के कि एक स्टील की पिन पानी में क्या करने लग जाए, तैरने लग जाए। थ्रू स्टील इज मोर डेंसर देन वाटर, ऑब्वियस ही बात है, स्टील की डेंसिटी क्या है, वाटर से ज्यादा है, तो स्टील को क्या हो जाना चाहिए, पानी में डूब जाना चाहिए। मगर एक हम स्टील निडिल को ना पानी में फ्लोट करा सकते हैं यदि उसके चारों तरफ हम ऑयल लगा दे, वही बोल रहे हैं मेड टू बी फ्लोट। दिस इज बिकॉज वाटर सरफेस एक्ट एज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेंबर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाटर का सरफेस रहता है वो स्ट्रेच इलास्टिक मेंबर जैसा एक्ट करता है एंड सपोर्ट्स द निडिल, निडिल को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, जो हर फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, और सही तरीके से बोला जाए तो बाइनरी प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि वो ऊपर में कैसा सराउंडिंग है उस पर भी वो डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंसिडर अ लाइन ए बी ऑन ए फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। हम क्या करेंगे, एक लाइन कंसिडर करेंगे ए बी, एक इमेजिनरी लाइन लिक्विड के फ्री सरफेस में। द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सरफेस ऑन दिस लाइन आर इक्विलिब्रियम बिकॉज दे आर एक्टेड अपॉन बाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम आइदर साइड एज शोन। डायग्राम देखते हैं, हम क्या किए, यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं, ये ग्रीन रंग का क्या है, कंटेनर है, और इस ग्रीन रंग के कंटेनर में हम क्या किए हैं, फ्लूइड भर दिए, जिस फ्लूइड को हम व्हाइट रंग से शो कर रहे हैं, मतलब यहां नीचे ना पूरा फ्लूइड फील्ड है, और ये फ्लूइड का जो गोल वाला एरिया है ये आपको क्या दिखा रहा है, उसका लेवल दिखा रहा है, ये नीचे पूरा फ्लूइड फील्ड है इस कंटेनर के नीचे तक। ठीक है, अब ये फ्लूइड का सरफेस है, आधा इस ग्लास में आधा पानी भरा है, मतलब ना इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन ए बी को क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले ले रहे हैं, जैसे हम इंटीग्रेट करने के लिए एक एलिमेंट एज्यूम करते हैं, सेम वैसी एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया ए और बी। अब इस ए बी एलिमेंट में ना पानी के स्ट्रेच मेम्ब्रेन होने के कारण ना दोनों तरफ से फोर्स लग रही होगी, एफ और एफ, एक प्रकार की टेंसाइल फोर्स लग रही होगी इसमें दोनों तरफ से, इधर से भी है, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा, दोनों फोर्सेस का अपोजिट होगा। ठीक है, वही चीज वो बोल रहा है एज्यूम करने। अभी आप ये समझिए कि ये यहां पे एक एलिमेंट है ए बी और इसमें दोनों साइड से फोर्स लग रही है जो इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। ये फोर्स इस सरफेस में क्यों पैदा होती है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा वो फोर्स वहां कैसे जनरेट होती है। तो हमने क्या बोला, एक लाइन कंसिडर करते हैं ए बी, ये लाइन हमने कंसिडर करी ए बी। ठीक है, ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड, ये वॉटर का फ्री सर्फेस है जहां पे प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक होगा। द स्मॉल एलिमेंट, ये जो लाइन ए बी है ये एक प्रकार की स्मॉल एलिमेंट है। द स्मॉल एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन के सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट की वो बात कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन तो ऑलरेडी एक छोटी है ही, ठीक है, इस लाइन के सरफेस में एक मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं, इस स्मॉल एलिमेंट में ये दो फोर्स लग रही है एफ, ऐसे सारे एलिमेंट में लग रही होगी, मतलब जितने भी मैं एलिमेंट ले लूं सब में ऐसे एफ की कंडीशन वाली फोर्स लग रही होगी, समझ पा रहे हैं आप, ऐसे सारे एलिमेंट में ऐसे एफ कंडीशन वाली फोर्स लग रही होगी। अभी तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया उस लाइन में,
मतलब आप ये एज्यूम कर लीजिए कि जितने येलो डॉट्स दिख रहे हैं मेरे को, ये सब क्या है, एक एलिमेंट है जो मिलके क्या बन रहे हैं, ये लाइन बन रहे हैं। तभी यहां पे क्या हुआ, एक फोर्स शो हुई, वरना तो ये पूरे लाइन में ना ऐसी फोर्स लग रही होगी, पूरे लाइन में ऐसी फोर्स लगेगी। इसका मतलब कैसे हम इसको देख सकते हैं, यदि मैं ये एलिमेंट को यहां पर ऐसे ले लू, ठीक है, और क्या है ये वाली मेरी लाइन है, अभी मैं इसको नॉर्मली ले आऊं, ये मेरी लाइन है ए और ये बी, तो ना इस पूरी लाइन में फोर्स लग रही होगी वाटर के स्ट्रेच होने के कारण, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होने की प्रॉपर्टी के कारण, दोनों तरफ से ऐसे हर एक जगह में, ऐसे हर एक पॉइंट में क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी, टेंसाइल फोर्स एफ एफ एफ, ये पूरे एलिमेंट में लग रही होगी, मतलब ये पूरे लाइन में लग रही होगी। तो इसका मैंने सिर्फ एक चीज एज्यूम करी इस डायग्राम में, सिर्फ एक वाला चीज क्या किया मैंने डायग्राम में शो किया जो यहां पे दिख रहा है, ऐसा हर जगह लग रहा होगा, हर इस लाइन पूरे एबी में और पूरे वाटर सरफेस में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी वो आपको इतना कंसिडर करने बोला, बने रहिए आगे और समझ में आएगा, ठीक है। ऑन दिस लाइन इक्विलिब्रियम बिकॉज आर एक्टेड अपॉन, तो क्या हो रहा है, एक एलिमेंट लिया हमने सरफेस में ऑफ द सरफेस ऑफ दिस लाइन, ठीक है, लाइन आर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज दे एक्टेड अपॉन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस क्या हो रही है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, जैसे मैंने आपको अभी एक डायग्राम बना के दिखाया था, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा फोर्स जनरेट होता है और हो गई, ठीक है। सेम ऐसा सेक्शन में बनाओ, ये लाइन है और ये लाइन में क्या है, हर एक एलिमेंट में फोर्स लग रही है, और ये लाइन से ये फोर्स का एंगल क्या है, सारी ये फोर्सेस का एंगल क्या है 90 डिग्री, सेम यही चीज, इसको मैं हर एक लाइन, बस हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द लाइन, जो फोर्स लाइन में एक्ट हो रही है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, जो फोर्स इसमें एक्ट कर रही है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, लाइन के लेंथ में, इफ एल इज द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन, जो भी इमेजिनरी लाइन लिए हम फ्लूइड के सरफेस में, और एफ क्या है, टोटल फोर्स है आइदर साइड ऑफ द लाइन, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ लाइन के एफ क्या है, टोटल फोर्स है, तो एफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैं कांस्टेंट यूज करूंगा एस, वही क्या होता है मेरा, सरफेस टेंशन होता है, तो एफ इज इक्वल टू एस इनटू एल, तो सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ। ये जो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है, इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं, सरफेस टेंशन का फॉर्मुला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एक छोटी छोटी इमेजिनरी लाइन एज्यूम करते जाते हैं उसमें हम फोर्स देखते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यदि यहां पे मैं सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, एल को मैं उधर दे दूं तो एफ इज इक्वल टू एस एल हो जाएगा, तो मैं यहां से एफ कांस्टेंट है, वो सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, वो हर जगह सेम रहेगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल भी बोल सकता हूं, तो ये चीज भी ऐसी आ जाती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होती है हमारी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक कोई भी हम यूनिट लेंथ ले लिए उसमें हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि वाटर कैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो क्या होगी हमारी, सरफेस टेंशन होगी, ठीक है। और समझेंगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला, सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज, इस एक्सप्रेशन को देख के हम, जो हमारा एक्सप्रेशन आया एस इज इक्वल टू एफ बाई एल, या मैं इसको स्मॉल एल बोलू क्योंकि मैं एक छोटा सा एल ले रहा हूं, मैं एक छोटा सा एल लाइन ले रहा हूं जो इमेजिनरी लाइन है, इसलिए मैं इसको स्मॉल एल बोलता हूं। तो सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइन एज फोर्स, फोर्स जो मैंने ब्लू रंग से शो किया है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन, कोई भी इमेजिनरी लाइन कहीं भी ले सकता हूं उसको फ्लूइड सरफेस में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यदि फोर्स के डायरेक्शन की बात करूं तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है, बीइंग परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। फिर देखते हैं, ये पानी का हमने एक कंटेनर है, वो कंटेनर को हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको गोल दिखेगा और इसमें पानी भरा हुआ है पूरा। यहां पे मैं एक इमेजिनरी लाइन ले लेता हूं, कहीं पे भी इमेजिनरी लाइन ले सकता हूं, तो इसमें ऐसे ऐसे फोर्स लगेगी सरफेस टेंशन। इस लाइन को क्या होगा ना, एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगी ये लाइन, दोनों तरफ से इस लाइन में क्या हो रही होगी, फोर्स लग रही होगी। वहां पे हमने मेन डायग्राम में क्या देखा था, एक फोर्स को देखा था, ये है मेरी लाइन ए और बी, ये फोर्स कैसे जनरेट होती है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर टू दी लाइन मतलब लाइन के परपेंडिकुलर होती है, एंड टेंजेंट टू दी लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। ये कैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है देखते हैं यहां पे एक कंटेनर बना के लिक्विड सरफेस के कैसे टेंजेंट है। ये हमारा कंटेनर, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, एक लाइन में लिया हुआ हूं, ठीक है। वो लाइन अभी मेरे को नहीं दिखेगी क्योंकि मैं अभी क्या देख रहा हूं, साइड व्यू देख रहा हूं। लाइन तो ऐसे जब मैं इस लिक्विड कंटेनर को ऊपर से देखूंगा तब दिखेगी, अभी मैं साइड से देख रहा हूं। यहां पे ऐसे फोर्स लग रही होगी, एक लाइन होगी तो जो ऐसे लाइन होगी जेड एक्सिस में, तो ऐसे इसमें फोर्स लग रही होगी। ये फोर्स क्या है, लिक्विड सरफेस के टेंजेंट है कि नहीं, लिक्विड सरफेस के टेंजेंट है कि नहीं, वही बोल रहा है। एंड टेंजेंट टू दी लिक्विड सरफेस, ये जो फोर्स है जो एक लाइन ले रहा हूं, वो लाइन मेरे को कैसे दिखेगी, यदि मैं इसका टॉप व्यू देखू ना, ऊपर से देखू इसको कंटेनर को, तो मेरे को ऐसा गोल दिखेगा और ये मेरे को लाइन दिखेगी और इस लाइन में मेरे को ऐसे फोर्स दिखेगी। तो ये ऊपर से देख रहा हूं, तब साइड से देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा। तो ये लिक्विड सर्फेस के टेंजेंट है ये फोर्स, वही बोल रहा है टेंजेंट टू दी लिक्विड सर्फेस। वो जो फोर्स होगी वो उस इमेजिनरी लाइन के तो परपेंडिकुलर होगी, मगर लिक्विड सर्फेस से क्या होगी, वो टेंजेंट होगी। सेकेंड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय एस। हम नॉर्मल लेवल में कैसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं 11th लेवल पे। जब हायर स्टडीज करने जाएंगे तो सरफेस टेंशन को वहां पे सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो नोटेशन तो कुछ भी लिया जा सकता है, आप किसी से भी डिनोट करें, बस आपका मतलब और समझाने का तरीका सही होना चाहिए। तो जनरली हम उसको एस से डिनोट करते हैं, मगर कहीं कहीं पे सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि दो अपोजिट फोर्सेस लग रही है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये क्या होती है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में बात करें तो सरफेस टेंशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन, लेंथ की यूनिट क्या, मीटर। तो ऐसा ही यूनिट क्या होगी सरफेस टेंशन की, न्यूटन बाय मीटर, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो न्यूटन किसमें चेंज हो जाता है, डाइन में आ जाता है, और मीटर किसमें आ जाता है सीजीएस यूनिट में, सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में। डायमेंशन के बारे में बात करें तो क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ है, फोर्स अपॉन लेंथ है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू, कैसे, फोर्स का फॉर्मूला एफ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास मतलब केजी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी को मैं कैसे लिखता हूं, केजी को मैं लिख सकता हूं एम, ठीक है, इंटू मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ एल, इंटू नीचे सेकेंड का स्क्वायर है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटू टी टू दी पावर माइनस टू, तो एम एल टी टू दी पावर माइनस टू होता है फोर्स, बिल्कुल। डिवाइड में क्या है, एल है, तो एक एल भी आएगा, तो एल और एल यहां से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू, ये क्या है सरफेस टेंशन का डायमेंशन, या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं एम टी की पावर माइनस टू, ऐसा भी लिख सकता हूं, या आप एल जीरो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एल जीरो मतलब वन हो जाएगा, एम टी की पावर माइनस टू, ये क्या होता है, डायमेंशन होता है सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो अभी आपको सरफेस टेंशन समझ में आया कि एक इमेजिनरी लाइन ले लूं मैं लिक्विड की सरफेस में, उसमें एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होती है हर एक उस लाइन के एलिमेंट में, उस इमेजिनरी लाइन के हर एक एलिमेंट में इक्वल एंड अपोजिट परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करती है एफ हर एक लाइन में, इसी को हम क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये कैसे जनरेट होती है, वाटर के स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होने के कारण जनरेट होती है। अब हम देखते हैं कॉस, ये क्या था, अभी तक जो हमने पढ़ा ये क्या था, बुकिश लैंग्वेज में था, मतलब एक 11th लेवल के हिसाब से आप कैसे पढ़ेंगे वो। अब मैं आपको ओरिजिनल कारण बताता हूं कि क्यों होती है सरफेस टेंशन, ओरिजिनल कारण क्या होता है सरफेस टेंशन के होने का, ठीक है। तो यदि हमें सरफेस टेंशन समझना है कि लिक्विड में कैसे आती है, तो हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो दो टर्म लिखता हूं मैं पहले, क्या होती है, कोहेसिव फोर्स, और सेकेंड टर्म होती है एडहेशन की एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। ये क्या होती है, दो फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहिजन भी बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेशन भी बोलते हैं। अब कोहेसिव फोर्स क्या होती है, कोहेसिव फोर्स ना सेम मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स होती है, ठीक है। अभी हम इसी को समझ रहे हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स।
कोइजी फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स। एक कंटेनर में लेता हूं, एक कंटेनर में मैं क्या लेता हूं, वाटर के मॉलिक्यूल्स लेता हूं। यहां पे ये क्या है, मान के चलते हैं यहां पे पूरा वाटर फील्ड इस कंटेनर, और ये क्या है वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ना एक इंटर एटॉमिक फोर्स होगी, एक अट्रैक्शन की फोर्स होगी ये दोनों के बीच में, जो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास। तो ये क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के, ये दोनों मॉलिक्यूल्स वाटर के। तो इन लोग दोनों के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, कोहेसिव फोर्स बोलूंगा। मतलब ये क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स, पानी में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पे वो सब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो भी कर सकते हैं वो अट्रैक्ट करें, पुश करें। तो अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच की होती है, ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आपस के बीच की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें, क्या होती है कोहेसिव फोर्स, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच। ये वाटर हो गया, यदि किसी दूसरे कंटेनर में मैं क्या किया, मर्क्यूरी भर दिया, किसी दूसरे कंटेनर में यहां पर मैं क्या करके रखा हूं, मर्क्यूरी भर के रखा, तो मर्क्यूरी क्या होगा, मर्क्यूरी के जो खुद के पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये हो गया, दूसरा पार्टिकल ये हो गया, ये क्या करेंगे ना एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। और मर्क्यूरी की कोहेसिव फोर्स वाटर की कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होती है, मर्क्यूरी अपने मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अच्छा पकड़ के रखता है, उतना वाटर नहीं रख पाता। इसीलिए आप मर्क्यूरी को हाथ में लेंगे ना तो वो स्पीयर का बबल बना हुआ रहता है, वो टूट के जल्दी बहता नहीं है, बबल बबल में बहता है। मतलब आप मर्क्यूरी को जब हाथ में लेके ही देखेंगे ना तो आपको उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि अपने आप को कैसे पकड़ के रखा हुआ है, जल्दी टूट नहीं रहा है ना। मगर वाटर को आप पानी में लीजिए तुरंत बह जाएगा, वो हाथ में लेके हल्का सा कि ये बह जाएगा, मर्क्यूरी को हल्का हल्का करेंगे नहीं बहेगा। तो मर्क्यूरी की कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है वाटर के मुकाबले। तो कोहेसिव फोर्स क्या हुई, मॉलिक्यूल्स के बीच की आपस की फोर्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, ये क्या था हमारा कोहेसिव फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कोहिजन बोलते हैं सही मायने में देखा जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है एडहेशन। ठीक है, ये होती कोहेसिव फोर्स, इसी को बोलते हैं हम कोहिजन, सेम मॉलिक्यूल्स की फोर्स। अब एडहेशन क्या होता है, पानी क्या करता है, किसी भी सरफेस को गीला कर देता है। आप हाथ पानी में डालिए आपका हाथ गीला हो जाएगा, ठीक है, किसी कंटेनर में रखेंगे वाटर को तो वाटर क्या करता है, गीला कर देता है। मर्क्यूरी ऐसा नहीं करता, मर्क्यूरी आपको गीला नहीं करेगा, उसकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो एडहेशन क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की प्रॉपर्टी। एडहेशन का मतलब होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की प्रॉपर्टी। मतलब एक कंटेनर में लिया, इस कंटेनर में मैं वाटर फिल किया, वाटर फिल किया, तो वाटर क्या करेगा, इस कंटेनर के जो सरफेस है ना उसको गीला कर देगा। तो यहां पे मैं एक मॉलिक्यूल एज्यूम करूंगा, किसका, कंटेनर का, ये कंटेनर का मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल या एटम बोलूं कुछ भी बोलूं, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे मैं वाटर का एज्यूम करूंगा। तो ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स होती है इसको मैं बोलता हूं एडहेसिव फोर्स, इसी को हम बोलते हैं एडहेशन। ठीक है, तो वाटर क्या करता है, किसी भी सरफेस को गीला कर देता है। मतलब वाटर का ना एडहेशन ज्यादा रहता है, कोहिजन उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। मर्क्यूरी का क्या रहता है, कोहिजन बहुत स्ट्रांग रहता है, वो अपने मॉलिक्यूल्स को फुल पकड़ के रखेगा और किसी को गीला नहीं करेगा, तो उसका एडहेशन वीक है। वाटर का क्या है, कोहिजन वीक है मगर एडहेशन स्ट्रांग है, किसी भी सरफेस में वाटर डाला वाटर उसको गीला कर देगा। मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस क्या है, ज्यादा है। तो ये होता है कोहिजन और एडहेशन। ठीक है, हमें समझ में आया कि कोहिजन क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स। मर्क्यूरी का कोहिजन ज्यादा रहता है, वो किसी को भी गीला नहीं करता, तो उसका कोहिजन ज्यादा है, आपस के मॉलिक्यूल्स, उसके सेम मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ज्यादा है, वो किसी सरफेस को गीला नहीं करता, तो मर्क्यूरी का एडहेशन लो है, एडहेसिव फोर्स लो है। वाटर का क्या है, कोहिजन कम है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, और वाटर का क्या है, एज कंपेयर टू मर्क्यूरी एडहेशन ज्यादा है, क्योंकि वो किसी भी सरफेस को क्या करता है, वेट कर देता है। तो जो सरफेस टेंशन होती है ना वो कोहिजिव फोर्सेस के कारण होती है। सही तरीके से देखा जाए तो सरफेस टेंशन का मेन कारण होता है ना कोहेसिव फोर्स के कारण। अब अपन क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को समझते हैं मॉलिक्यूल लेवल में कि कैसा होता है। एक मैं यहां पे ऐसे कंटेनर लेता हूं, ठीक है, ये कंटेनर में क्या होगा ना, लिक्विड हम डालते हैं, ये हमारे कंटेनर में लिक्विड फील्ड, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मैं वॉटर के कुछ मॉलिक्यूल्स एज्यूम करता हूं। एक मॉलिक्यूल क्या होगा, जो अंदर में होगा, ये मॉलिक्यूल है मेरा ए, एक मॉलिक्यूल ना थोड़ा सा सरफेस के पास में होगा बी, और एक मॉलिक्यूल ना पूरा सरफेस में ही होगा, आधा मतलब वो सरफेस में होगा सी। ये तीन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया। अब ड्यू टू कोहिजन, कोहिजन मतलब
सरफेस टेंशन का मेन कारण क्या है? कोहेसिव फोर्सेस। तो वाटर में भी कोहिजन, थोड़ा तो सब लिक्विड में कोहिजन होगा। वाटर को जब हम मर्क्यूरी से कंपेयर कर देते हैं तो खत्म हो जाता है कि मर्क्यूरी का कोहिजन बहुत ज्यादा है, बट वाटर के अंदर भी कुछ कोहिजन तो होगा, ठीक है, और एडहेशन भी होगा वाटर के अंदर। दोनों प्रॉपर्टीज रहती है सब में, किसी की कुछ स्ट्रांग होती है, किसी की कम होती है। तो वाटर के अंदर कोहिजन होगा, कोहेसिव फोर्सेस वाटर के अंदर भी होंगी। मर्क्यूरी जितनी स्ट्रांग नहीं होंगी मगर होंगी। तो वाटर भी क्या करेगा, कोशिश करेगा अपने मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने की। तो ये एक मॉलिक्यूल ए पे क्या होगा ना, इसके बाद वाले आसपास वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। मतलब ए के बाजू वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो सब क्या करेंगे, इसको अपने पास खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ए क्या रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा, जो ए वाला मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बी वाला जो मॉलिक्यूल है इसको क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, नीचे की तरफ ये थोड़ा ज्यादा खिंचाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे इसके मॉलिक्यूल ज्यादा है और ऊपर इसके मॉलिक्यूल क्या है, कुछ भी नहीं है, आधे मतलब एकदम थोड़े से सेमी सर्कल वाले पोर्शन में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, तो इसमें थोड़ी सी नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगी। सी की बात करता हूं, मतलब जो मॉलिक्यूल फ्री सरफेस में होगा इसमें कैसे फोर्स लगेगी, ऐसे बाजू वाले मॉलिक्यूल भी उसको खींचेंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी उसको खींचेंगे, सब उसको पुश करेंगे। तो जो सी मॉलिक्यूल फ्री सरफेस में है उसके ऊपर क्या होगी, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगी। और ये देखिए, यही जो फोर्स है ना एफ, यही होती है सरफेस टेंशन का कारण। मतलब जो मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस में रहता है ना लिक्विड के, वो क्या होता है, स्टेबल पोजिशन में नहीं रहता है, उसमें नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होती रहती है। किसके कारण? कोहिजन के कारण, कोहिजिव फोर्सेस के कारण उसमें एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होने लग जाती है, तो वो अनस्टेबल पोजीशन पे रहता है। इसीलिए लिक्विड मेम्ब्रेन ना एक प्रकार का स्ट्रेच जैसा फॉर्म करता है, क्योंकि ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, अंदर के मॉलिक्यूल्स को कोई टेंशन नहीं, चारों तरफ से वो खींचा रहे, मगर ऊपर वाला मॉलिक्यूल ना सिर्फ नीचे से खींचा रहा है। तो इसलिए ना इसमें क्या होगी, बाजू के मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगाएंगे, और इसी यही तो है हमारी सरफेस टेंशन। लिक्विड के सरफेस में एक लाइन, और उस लाइन में क्या हो रही है, ऐसे फोर्स लग रही है, यही हम डायग्राम देखें, और ये इसका कारण क्या है, कोहेजन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो सी मॉलिक्यूल जो फ्री सरफेस में जो पार्टिकल है उसके कारण हो रही है, ठीक है। तो यही जो टेंसाइल फोर्स सी पे लग रही है, एफ एक प्रकार की टेंसाइल फोर्स है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं। तो यही टेंसाइल फोर्स कारण क्या होती है, सरफेस टेंशन का कारण होती है। यहां पे मैं सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में यदि लिख दूं ना, तो जो नेट फोर्स है, यदि नेट फोर्स में बात करूं किसमें, ए पे, तो वो क्या है, ए पे जीरो है। नेट फोर्स यदि मैं बात करूं किस पे, बी पार्टिकल में, तो वो क्या है, जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है भाई, हल्का सा तो नीचे उसको ज्यादा खींचेंगे। नेट फोर्स यदि मैं सी में बात करूं ना, तो सी में तो बिल्कुल भी जीरो नहीं होगी, उसमें एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगे, मतलब एक डाउनवर्ड फोर्स हो रही होगी, नेट फोर्स क्या होगी, उसकी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये था सरफेस टेंशन। अब यदि मैं एक उसके बारे में बात करूं कि प्रेशर के बारे में, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सरफेस टेंशन इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सरफेस टेंशन इज नेग्लिजिबल, या हम बोल सकते हैं जीरो। मतलब प्रेशर से सरफेस टेंशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया लिक्विड के ऊपर, उसकी सरफेस टेंशन में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरफेस टेंशन की जो उसकी वैल्यू है वो वही रहेगी, ठीक है। सरफेस टेंशन को प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, वो चीज हम देखेंगे। सरफेस टेंशन क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी लिक्विड का, सरफेस टेंशन कम होने लग जाती है उस लिक्विड की, ठीक है। क्यों ऐसा, कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाती है, देखेंगे हम उस बारे में, ठीक है। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सरफेस टेंशन में, ये चीज आप याद रखेंगे, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और एक और चीज, अब जैसे मैंने बोला कि सरफेस टेंशन क्या होती है ना, एक प्रकार की बाइनरी प्रॉपर्टी होती है। बाइनरी प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं ना, वो ना आसपास के फ्लूइड पे भी डिपेंड करती है। ये वाला फ्लूइड क्या है, वाटर है, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होगी ना, ऊपर में क्या होगी, हवा होगी वाटर के, यहां पे एयर होगी, ठीक है, ऊपर में। तो वो बाइनरी प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन फ्लूइड की, मतलब वो उसके सराउंडिंग फ्लूइड पे भी डिपेंड करती है। यदि यहां एयर के बदले कोई और होता ना, नाइट्रोजन, एयर है मतलब नॉर्मल, यदि कोई मैं एक पर्टिकुलर गैस रख दूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कुछ भी चीज, इसका सराउंडिंग चेंज करूं ना, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू ना चेंज हो जाएगी।
क्योंकि वो बाइनरी प्रॉपर्टी है, वो सराउंडिंग फ्लूइड पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यदि हम एग्जांपल देखें, हम कैसे डिनोट कर रहे हैं सरफेस टेंशन को, एस से। यदि हम एग्जांपल देखें तो एस सरफेस टेंशन, ठीक है, किसकी सरफेस टेंशन हम देखते हैं, वॉटर और एयर की। वॉटर मतलब क्या, H2O, और वॉटर एयर इंटरफेस की बात कर रहा हूं, सेम जो अभी मैं कंडीशन में को यहां डायग्राम में दिख रही है। कितने टेम्परेचर में मैं देख रहा हूं, 20 डिग्री सेल्सियस में देख रहा हूं, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाएगी। जब लिक्विड का मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, बहुत बढ़ा दिया, तो वो गैस बन जाती है, मतलब उसकी कोहेसिव फोर्सेस पूरी खत्म हो जाती है और वो पूरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बन जाता है, मतलब लिक्विड उड़ उड़ के एक दूसरे को ठोकने लग जाते हैं, उनके बीच की कोहेसिव फोर्सेस खत्म हो जाती है। गैस थोड़ी ना अपने आप को एकदम पकड़ के रखती है, वो तो पूरे कंटेनर में फैल जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो कोहेसिव फोर्सेस कम होती है, इसलिए सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो मैं 20 डिग्री में देख रहा हूं सरफेस टेंशन वाटर और एयर के बीच में, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.072 न्यूटन बाई मीटर। ये क्या होती है, वाटर सरफेस इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस, ठीक है। अब यदि मैं दूसरे के बारे में बात करूं, यदि मैं S उसके सब्सक्रिप्ट में लिख रहा हूं, अब मैं इंटरफेस क्या ले लेता हूं, मर्क्यूरी और एयर ले लेता हूं। यदि यहां पे मर्क्यूरी भरा रहता और ऊपर एयर रहता ना, Hg मर्क्यूरी को मैं लिख रहा हूं और एयर किसमें देखूंगा, इसको भी मैं 20 डिग्री सेल्सियस में ही देख रहा हूं, तो यहां पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी होती है वैल्यू इसकी, 0.48 न्यूटन मीटर। तो सराउंडिंग फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है कि लिक्विड के पास कौन सा फ्लूइड है, जनरली एयर ही होती है, मगर यदि एयर नहीं हुई तो सरफेस टेंशन चेंज हो सकती है, ठीक है। प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता सरफेस टेंशन में, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, ठीक है। अब एक और चीज, इसी कारण क्या होता है ना, हैवी इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो वाटर के सरफेस में क्या करते हैं, वॉक करने लग जाते हैं, यही सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। अब कौन सा इंसेक्ट रहता है जो फ्री सरफेस में वॉटर के वॉक कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉटर स्ट्राइडर, वॉटर वॉटर स्ट्राइडर ये इंसेक्ट होता है, इसको आप देखे भी होंगे जनरली, पानी के ऊपर हल्का सा चीटी टाइप का दिखता है वो, वॉटर स्ट्राइडर इंसेक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी यूज करके क्या करते हैं, पानी के फ्री सरफेस में वो चलने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी वैसी होती होगी, ठीक है, ये एक चीज होती है। अब उसके बाद टेम्परेचर के बारे में ही बात करें तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो एक टेम्परेचर होता है हर लिक्विड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। हर लिक्विड का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मैं यदि क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करूं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब मैं उसको किसी भी लिक्विड को गर्म किया, एक टेम्परेचर ऐसा आ गया जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, एक हाईएस्ट वैल्यू। उस टेम्परेचर के बाद ना उस लिक्विड, मतलब उस टेम्परेचर में तो वो लिक्विड पूरा गैस बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है। वाटर को मैं 100 डिग्री के ऊपर लेके गया तो वो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में बन जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है, और गर्म करते जाऊं उस गैस को, और गर्म करते जाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब मैं कितना भी प्रेशर लगा लूं ना, वो लिक्विफाई होगा ही, उस पॉइंट के टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे वाटर की यदि मैं बात करूं, तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर CR क्रिटिकल, और वो कितना होता है, 374 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 के ऊपर ही भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है, इसके ऊपर यदि 374 डिग्री सेल्सियस में यदि हम वाटर को ले गए ना, तो क्या होगा, इसके बाद मैं इसका ना, इसको मैं कितना भी प्रेशर लगा दूं, इसको मैं लिक्विड फॉर्म में क्या करूंगा, कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, समझ लो, रुक नहीं है ना, 2 मिनट, हाँ ठीक। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होगा, कि यदि मैं इस टेम्परेचर पे ले गया, तो इस टेम्परेचर में क्या होती है, सरफेस टेंशन हमारी जीरो हो जाती है। तो यदि कोई भी लिक्विड अपने क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंच जाता है, तो उसके बाद में उसमें कितना भी प्रेशर लगा लू ना, वो लिक्विफाई हो ही नहीं सकता। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है किसी भी लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज हुई, अब देखते हैं जल्दी से एक और पॉइंट, टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन।
तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचेगा, जीरो हो जाएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कितना भी प्रेशर लगा दूंगा लिक्विफाई हो ही नहीं सकता। तो कौन कौन से फैक्टर सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं? पहला, फर्स्ट क्या है हमारा, टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। यदि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वाइस वर्सा। और टेम्परेचर कम करूंगा मैं किसी लिक्विड का, मतलब किसी लिक्विड को मैं ठंडा करूंगा तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। जो मैंने आपको अभी बताया, क्रिटिकल टेम्परेचर में जीरो हो जाती है। वाटर का यदि मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूं तो वो कितना होता है, 374 डिग्री सेल्सियस। 100 के ऊपर तो वो भाप बन जाता है, मतलब इसमें तो गैस स्टेट में ही होगा। इसके बाद इस टेम्परेचर के बाद में उसमें कितना भी प्रेशर लगा दूं कुछ नहीं होगा, बनेगा ही। फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, छोटे टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं मैं, 10 डिग्री 20 डिग्री, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली, लीनियरली डिक्रीज होती है। उसकी इक्वेशन क्या होती है, एस टी इक्वल टू एस जीरो इंटू वन माइनस अल्फा टी। ये जब लीनियरली डिक्रीज होगी तो उसकी इक्वेशन है। यहाँ पे एस टी क्या है, जिस टेम्परेचर पे, जैसे मैं बोला कि मेरे को 60 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेंशन चाहिए, तो जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन है ये उसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे एस जीरो क्या है, सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में उस लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या होगी, इंटू वन माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट है, किसका, सरफेस टेंशन के लिए। एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू रहेगी जो आपको गिवन रहेगी, ठीक है। और टी क्या है, किस टेम्परेचर पे हम निकाल रहे हैं, जिस भी टेम्परेचर पे हम निकाल रहे हैं उस टेम्परेचर की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगी, हमें सरफेस टेंशन मिल जाएगी, ठीक। ड्यू टू दिस, इसी कारण सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होता है, हॉट सूप, गरम सूप की बात करूं ना तो वो क्या होता है, टेस्ट बेटर देन कोल्ड सूप। गरम सूप की मैं बात करूं तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है ठंडे सूप के मुकाबले। ऐसा क्यों, सरफेस टेंशन के कारण होता है। यदि किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी सरफेस टेंशन कम होगी, गरम सूप का टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो उसकी सरफेस टेंशन कम रहती है, मतलब वो जीभ में ज्यादा स्प्रेड होता है गरम सूप। ठंडे सूप का टेम्परेचर कम रहता है, सरफेस टेंशन ज्यादा रहती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं तो वो जीभ में कम स्प्रेड होता है। तो इसलिए जो गरम सूप रहता है ना उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है कोल्ड सूप के मुकाबले, एज हॉट सूप स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ टंग। लार्ज एरिया ऑफ टंग में क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, एक और भी हम एग्जांपल देखें, मशीनरी पार्ट्स के बारे में देखें। यदि मशीन के पार्ट्स के बारे में बात करूं ना तो वो क्या हो जाते हैं, ठंडियों में जाम हो जाते हैं, गेट जैम इन विंटर एज सरफेस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जितने भी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स रहते हैं यदि उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो लिक्विड की क्या होगी, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। इस कारण वो क्या करेगी, मशीनरी के पार्ट्स को क्या करेगी, जाम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। यदि किसी पानी में मैं इम्प्यूरिटीज ऐड करता हूं तो वो उसके सरफेस टेंशन को क्या करेगी, चेंज करेगी। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड चेंजेस एप्रिशिएबली विद एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। जितनी मैं उसमें अशुद्धियां ऐड करते जाऊंगा उसका सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। अ हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस, एक हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस के बारे में बात करूं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं, सॉल्ट मतलब नमक के बारे में, क्या करता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर की सरफेस टेंशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब मैं ऐसा सब्सटेंस यूज करूंगा जो पानी में घुल जा रहा है तो वो वाटर की सरफेस टेंशन को वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो समुद्र का पानी रहता है उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है नॉर्मल वाटर के मुकाबले। अ स्पेरिंगलीबल सॉल्यूशन सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है, जैसे फिनॉल के बारे में बात करूं मैं, सोप के बारे में बात करूं, वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस दी सरफेस टेंशन, ठीक है। लास्ट स्लाइड हम देखते हैं डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन के बारे में, डिटर्जेंट्स और सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सरफेस टेंशन हैज ए वाइड यूज इन डेली लाइफ। द डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग द डर्टी क्लोथ्स इन आवर होम इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। जो हमारे घर में हम डिटर्जेंट यूज करते हैं वो बहुत गुड एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का। ऐसा क्यों, जो कपड़ों में ऑयल लगा रहता है वो क्या होता है, वॉटर सिर्फ उस ऑयल को कपड़ों से निकाल नहीं सकता, तो जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं ना वो क्या करते हैं, उस ऑयल की सरफेस टेंशन को तोड़ देते हैं, तो वो ऑयल सरफेस से स्टिक ना होकर वॉटर के साथ क्या होता है, कैरी हो जाता है। एक्चुअली वॉटर कैनॉट वेट ऑयल स्टेन, मतलब ऑयल के जो ऑयल के धब्बे हैं उसको वाटर क्या करता है, गीला नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज वाई
वॉटर अलोन कैनॉट रिमूव डर्ट फ्रॉम योर क्लोथ्स, मतलब सिर्फ वॉटर के बारे में बात करें तो वो आपके कपड़ों से गंदी मट्टियां या हम बोले ऑयल को नहीं निकाल सकता, सरफेस टेंशन तोड़ने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिटर्जेंट कैन अटैच विद वॉटर मॉलिक्यूल्स एंड डर्ट मॉलिक्यूल्स एज दे टेक अवे डर्ट विद देम व्हेन वी वॉश द क्लोथ्स विद डिटर्जेंट। तो वो क्या करते हैं, वॉटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑयल को तोड़ देते हैं उसकी सरफेस टेंशन और उसको कपड़ों से निकाल के वॉटर में ले आते हैं। तो इसलिए सोप क्या करता है, वॉटर की सरफेस टेंशन क्या करता है, कम करता है ताकि वो कर पाए। ठीक है, इस टॉपिक का हमारा लास्ट स्लाइड, एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है एप्लीकेशन सरफेस टेंशन का। फर्स्ट देखते हैं रेन ड्रॉप्स और मर्क्यूरी ड्रॉप्स के बारे में बात करें। प्लेस ऑन अ ग्लास प्लेट आर स्फेरिकल, एक पानी की बूंद में लेता हूं उसको मैं ऐसे एक टेबल में रख दूंगा या किसी ग्लास के ऊपर रख दूंगा या मर्क्यूरी को लेता हूं तो वो स्फेरिकल शेप बनाती है। ऐसा इसलिए कि उसका सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है और मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। स्फीयर बनने के लिए एकदम मिनिमम सरफेस एरिया लगता है। तो वाटर क्या करता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है इसलिए वो स्फीयर बनता है। जब पानी गिरता भी है, बारिश की बूंदें भी रहती हैं, वो सारी स्फेरिकल होती है क्योंकि स्फीयर बनने में मिनिमम सरफेस एरिया लगता है और वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण होती है। उसका सरफेस आपस में खींचता है एक दूसरे को तो इसलिए वो गोल स्फीयर बनते हैं। मर्क्यूरी को आप हाथ में ले लें तो वो तो पूरा गोल बना ही रहता है क्योंकि उसकी कोहेसिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है जिसके कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। सेकंड पॉइंट देखें, यदि शेविंग ब्रश के बारे में बात करूं हेयर्स के और मैं पेंट ब्रश की बात करूं तो जब मैं उसको डिप करता हूं व्हेन डिप्ड इन द वॉटर स्प्रेड्स आउट, जैसे ही शेविंग ब्रश और वॉटर का ब्रश को मैं पेंट या वॉटर में डिप करता हूं तो वो क्या होते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, बट सून एज इट टेकन आउट जैसे ही मैं उसको बाहर निकालता हूं ना तो हेयर क्या हो जाएंगे, स्टिक टूगेदर हो जाएंगे, एक साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, ये भी क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण में होता है। सेकंड पॉइंट देखें, यदि एक ग्रीसी नीडल को मैं वॉटर के सरफेस में, एक स्टील की नीडल को मैं ग्रीस करके वॉटर के सरफेस में जेंटली प्लेस करूं ना तो वो डूबेगी नहीं। भले स्टील की डेंसिटी वॉटर से ज्यादा होती है मगर डूबेगी नहीं वो, क्यों, क्योंकि क्या होता है, वो जो वॉटर क्या करेगा ना उसको कैरी कर लेगा ग्रीस लगने होने के कारण। प्लेस जेंटली ऑन दी फेसेस सरफेस ऑफ अ वॉटर इन ए बीकर डज नॉट सिंक। लास्ट पॉइंट, ऑयल ड्रॉप्स स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वॉटर बट नॉट चेंजेस शेप ऑन हॉट वाटर। तो जो ऑयल की ड्रॉप होती है ना वो क्या होती है, ठंडे पानी में क्या हो जाती है, फैल जाती है, मगर यदि मैं एक ऑयल ड्रॉप को गर्म पानी में डालू ना तो वो फैलती नहीं है। ऐसा क्यों, जो ऑयल रहती है उसकी जो सरफेस टेंशन रहती है, बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी और ऑयल ड्रॉप के मैं बारे में बात करूं तो जो ऑयल की सरफेस टेंशन रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है वाटर के सरफेस टेंशन, ठंडे पानी की सरफेस टेंशन से मैं कंपेयर करूं तो इसका मतलब क्या होगा, कम है तो वाटर क्या करेगा, उसको खींच लेगा। ऑयल की सरफेस टेंशन कम है और कोल्ड वाटर की सरफेस टेंशन उससे ज्यादा है तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, ऑयल को खींच लेगा तो वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। वही यदि ऑयल को मैं गर्म पानी में डाल दूं ना तो गर्म पानी से ज्यादा सरफेस टेंशन रहती है ऑयल की तो ऑयल क्या करेगा, स्प्रेड होगा ही नहीं, गर्म पानी उसको क्या करेगा, खींच पाएगा ही नहीं, वो एक प्रकार का बबल ही बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एप्लीकेशन सरफेस टेंशन का। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, कैपिलरिटी के बारे में बात करेंगे और आगे के हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।